New video of the life process, which is the sixth chapter of the class 10 science. In this video, I will discuss about the respiratory system of human beings. तो human being के respiratory system में कौन कौन से part होते हैं ये हमें देखना है. External nostril, nasal passage, internal nostril, pharynx, larynx, larynx को sound box भी बोलते हैं, ट्रैकिया, ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं. ब्रोंकस और प्लूरल इसका ब्रोंका ही होता है, देन ब्रोंक्यूल, देन लंग्स. अब हम एक डायग्राम के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम समझने जा रहे हैं. तो इसमें जैसे आपको टोटल 8 पॉइंट बताए गए थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट में, तो सबसे पहला पार्ट है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो आपकी अपर लिप के ऊपर नोज होती है और नोज में जो ओपनिंग होती है वन की ओपनिंग, उसको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोलते हैं. क्योंकि ये साइड व्यू है इसलिए एक ही ओपनिंग दिख रही है, दैट इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल. इसके बाद नॉस्ट्रिल ऊपर की ओर एक ट्यूब में खुलती है, उस ट्यूब को बोलेंगे नेसल पैसेज. और उसके जस्ट ऊपर एक चैम्बर होता है, उसको नेसल चैम्बर बोलते हैं. और नेसल चैम्बर इसी तरह नेसल चैम्बर, हालांकि डिस्क्रिप्शन में नेसल चैम्बर नहीं बताया गया था. तो नेसल पैसेज खुलता है नेसल चैम्बर में, और नेसल चैम्बर खुलता है फैरिंग्स में. किस ओपनिंग से खुलता है? इंटरनल नॉस्ट्रिल. इंटरनल नॉस्ट्रिल के थ्रू नेसल चैम्बर फैरिंग्स में खुलता है. अब आप चूंकि फैरिंग्स देख रहे हैं, फैरिंग्स को मतलब तीन जगह लेवल किया गया, इसको फैरिंग्स बोल रहे हैं, ये भी एरिया फैरिंग्स है, ये एरिया फैरिंग्स है, ठीक है. तो जहां पर इंटरनल नॉस्ट्रिल खुलता है उसको आप नेसल फैरिंग्स बोल सकते हो. जहां पर बक्कल कैविटी फैरिंग्स से ओरिजिन, जहां बक्कल कैविटी खुलती है उसे हम ओरोफैरिंग्स बोलेंगे. लेकिन जहां पर लैरिंग्स प्रेजेंट होती है, फैरिंग्स का वो रीजन जहां पर लैरिंग्स प्रेजेंट होती है उसको आप लैरिंगो फैरिंग्स कह सकते हो. मतलब ये तीनों एरिया फैरिंग्स के. फैरिंग्स के अंदर फैरिंग्स एक फनल लाइक चैम्बर होता है जो कि फूड के लिए और एयर के लिए कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है. तो ये मतलब यहां से फूड भी पास होगा और यहां से एयर भी पास होती है, इसलिए फैरिंग्स प्रोवाइड कॉमन पैसेज फॉर द एयर एंड फूड. अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज द लैरिंग्स. अब ये लैरिंग्स इज द पार्ट ऑफ ट्रैकिया, ये विंड पाइप का ही पार्ट है. तो ट्रैकिया के ऊपर जो है एक चैम्बर लाइक पार्ट होता है, उसको लैरिंग्स बोलते हैं. और लैरिंग्स को साउंड बॉक्स बोलते हैं. और लैरिंग्स में जो ओपनिंग, जिस ओपनिंग से हवा पास होती है उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस. ग्लॉटिस कहते हैं. और ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेज का फ्लैप लगा होता है, और इस फ्लैप को कहते हैं एपिग्लॉटिस. इस फ्लैप को बोलते हैं एपिग्लॉटिस बोलते हैं. जब भी हम कुछ स्वालो करते हैं या निकलते हैं तो एपिग्लॉटिस जो होता है वो ग्लॉटिस को बंद कर लेता है, जिससे कि फूड या वाटर इस विंड पाइप में यानी कि लैरिंग्स में जाने ना पाए. तो व्हेनेवर वी स्वालो समथिंग एपिग्लॉटिस क्लोजेस द ग्लॉटिस. जब भी कुछ हम निकलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं विंड पाइप के जस्ट लैरिंग्स के जस्ट बगल में फूड पाइप है, फूड पाइप को ईसोफेगस बोलते हैं, और ईसोफेगस की ओपनिंग को गलट कहते हैं. तो गलट वो ओपनिंग है जहां से फूड या वाटर एंटर करता है. तो जब भी हम कुछ खाएंगे या पिएंगे तो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर लेती है. तो ये अब ये कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम है. जो इसके पहले का डायग्राम था उसमें माउथ, बक्कल कैविटी और नॉस्ट्रिल के बारे में फैरिंग्स में दिखाया गया था. अब यहाँ पर लैरिंग्स से स्टार्ट करते हैं. तो लैरिंग्स ये आपको दिख रहा है, दिस इज द चैम्बर लाइक पार्ट ऑफ द ट्रैकिया. ट्रैकिया ये विंड पाइप है, इसको ट्रैकिया बोल सकते हो. इसके ऊपर का चैम्बर लाइक पार्ट है और इसमें एक ओपनिंग आपको दिख रही है. इस ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं. हवा यहीं से अंदर ट्रैकिया में जाती है और इसके जस्ट पीछे की ओर ये कार्टिलेज का फ्लैप लगा हुआ है. जो पहला डायग्राम था वो साइड व्यू था,
ये डायग्राम फ्रंटल व्यू में है, तो उसमें एक कार्टिलेज फ्लैप है जिसको इपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो आपकी लैरिंग्स होती है, इसमें टोटल 9 कार्टिलेज होते हैं, तो इपिग्लॉटिस भी उसी 9 कार्टिलेज का एक पार्ट है, ठीक है। तो जब भी आप कुछ स्वालो करते हो तो इपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर लेती है, जिससे कि इस विंड बैग में वाटर या फूड जाने ना पाए। अब आप देखते हैं ट्रैकिया की बात करते हैं, तो ट्रैकिया में ये रिंग्स लगी हैं, सी शेप रिंग होती है, इनको आप बोल सकते हो कार्टिलेजिनस रिंग, ये कार्टिलेजिनस रिंग। कार्टिलेजिनस रिंग का मतलब कार्टिलेज की बनी रिंग। तो इसका फंक्शन क्या होता है, कार्टिलेज रिंग का फंक्शन होता है दे प्रिवेंट द विंड पाइप फ्रॉम बीइंग कोलैप्स्ड ड्यूरिंग इनहेलेशन। मतलब जब आप हवा अंदर ले रहे होते हो उस टाइम आपके विंड पाइप कोलैप्स ना कर जाए, उससे ये बचाती हैं ट्रैकियल रिंग। उनको कार्टिलेजिनस रिंग बोल सकते हो या फिर ट्रैकियल रिंग भी बोल सकते हो। तो सी शेप होती हैं, फ्रंट से होती हैं, पीछे ओपन होती हैं, और यही सारे रिंग आपकी इस फिर अच्छा आगे देखते हैं अभी। तो ये जो ट्रैकिया है, जब आपके इसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है, 15 to 20 सेंटीमीटर के आसपास लंबाई होती है, या आपकी चेस्ट कैविटी में लैरिंग से स्टार्ट होता है और चेस्ट कैविटी में एंटर करता है ट्रैकिया। और जैसे ही चेस्ट कैविटी बोल सकते हो या फिर थोरैसिक कैविटी बोल सकते हैं, जो ये रीजन आपका थोरैक्स है, ठीक है। तो थोरैक्सिक कैविटी को थोरैसिक कैविटी बोलते हैं या चेस्ट कैविटी बोलते हैं। तो जैसे ट्रैकिया आपकी चेस्ट कैविटी में एंटर करता है, इसकी दो ब्रांच बन जाती हैं, एक है राइट ब्रोंकस और ये दूसरी ब्रांच है लेफ्ट ब्रोंकस। तो राइट ब्रोंकस एंटर करता है राइट लंग में, ये आपका राइट लंग है, इसको लेवल कर दे रहे हैं राइट लंग, राइट लंग्स। और लेफ्ट ब्रोंकस एंटर करता है लेफ्ट लंग में। अब आप राइट लंग और लेफ्ट लंग में देखें डिफरेंस क्या है। राइट लंग बड़ा होता है, लेफ्ट लंग छोटा होता है। छोटा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों लंग्स के बीच में हार्ट होता है, और हार्ट की लोकेशन आपकी मिड वेंट्रल लाइन में हो, वेंट्रल मतलब आगे की ओर और बीचों बीच में है, और डायफ्राम के ऊपर होता है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट की ओर हार्ट झुका होता है, इसलिए ये लेफ्ट लंग छोटा होता है। तो आपको समझ में आ गया कि लेफ्ट लंग छोटा क्यों होता है, क्योंकि इसको हार्ट को स्पेस देना होता है, क्योंकि हार्ट जो होता है दोनों लंग्स के बीच में लोकेट करता है। अब आते हैं राइट ब्रोंकस जब इसमें एंटर करता है लंग्स में, या लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में एंटर करता है, तो ये ब्रोंकस रिपीटेडली ब्रांचिंग बनाता है या बात लगातार डिवाइड होता रहता है या ब्रांच डेवलप करता है, ठीक है। तो जो पहली ब्रांच बनती है उसको आप प्राइमरी ब्रोंकियोल बोल सकते हो, फिर इसकी ब्रांचिंग होंगी तो फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकियोल, तो ये आप देखिए लैबिंग आएगी सेकेंडरी ब्रोंकियोल की, फिर ये ब्रांच बनाएगा तो टर्सरी ब्रोंकियोल, और टर्सरी क्वार्टरनरी, इस तरह से बहुत सारी ब्रांचिंग बनती चली जाती हैं। और जो टर्मिनल ब्रोंकियोल जो सबसे लास्ट की ब्रांच होती है उसको टर्मिनल ब्रोंकियोल बोल सकते हैं। तो जो अल्टीमेट ब्रोंकियोल है जो, ठीक है, वो खुलती है इसमें ये बलून लाइक स्ट्रक्चर में, इन बलून लाइक स्ट्रक्चर को एल्वियोलाई बोलते हैं। या ये भी कह सकते हो कि जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है वो डेवलप करती है बलून लाइक स्ट्रक्चर को, जिनको एल्वियोलस बोलते हैं, सिमिलर है, और एल्वियोलाई प्लूरल है। अब एल्वियोलस कैसा होता है, तो एल्वियोलस होता है ये वन सेल थिक स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है, केवल एक एक सेल मोटी, जैसे ये बलून बना, ये बलून, तो ये केवल वन सेल थिक स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। टर्मिनल ब्रोंकियोल, इसको आप टर्मिनल ब्रोंकियोल बोल सकते हो, टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल इसमें एल्वियोलस में आता है, तो इस तरह से आपको एयर पैसेज क्लियर हो गया कि सबसे पहले हवा कहाँ आती है, नॉस्ट्रिल में आती है, नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर से इंटरनल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल से फैरिंग्स, और फैरिंग्स के बाद आएगी लैरिंग्स में, लैरिंग से आएगी ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल में आएगी, और ब्रोंकियोल जो टर्मिनल ब्रोंकियोल होगी अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, एल्वियोलस में चली जाएगी, ठीक है। इस तरह से ऑक्सीजन आएगी, और इसका, और ये चूंकि वन सेल थिक है तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, चूंकि जो इसके ऊपर एल्वियोलस के ऊपर
कैपिलरी नेटवर्क भी होता है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और यहीं से O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, वो भी बाद में डिस्कस करेंगे। और एक चीज और समझ ले, जो कार्टिलेज रिंग की बात हो रही है वो ब्रोंकियोल पर भी होती है, मतलब इसको भी सपोर्ट किया जाता है रिंग्स की हेल्प से, तो इस सारी उस पर रिंग्स होती है। तो जिस तरह से राइट लेग में दिखाया गया सेम पैटर्न में ब्रोंकस का डिवीजन, इन लेफ्ट ब्रोंकस का डिवीजन जो है होगा और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड टर्मिनल ब्रोंकियल फॉर्मेशन हो जाएगा और जो टर्मिनल ब्रोंकियल होगी वो एल्वोलाई में खुल जाएगी। इस तरह से आपको सब पूरा डायग्राम क्लियर हो गया और सिस्टम के बारे में बदल गया। एक चीज और समझ लिया, लंग्स की चारों ओर, लंग्स के चारों ओर एक डबल मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे गैसेस एक्सचेंज के बारे में। हमें जो भी अभी आपने डायग्राम समझा है तो उसका डिस्क्रिप्शन आप समझ ले, जिसको आपको नोट्स के रूप में बनाना है, क्योंकि जब आप डायग्राम समझ चुके हैं और उसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसके लिए आपको नोट्स असेंबल करने पड़ेंगे। तो नोट्स आप देख लें कैसे नोट डाउन करना है। देखिए, सबसे पहले हेडिंग थी पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, तो इट इज अ पेयर ऑफ ओपनिंग प्रेजेंट अबव द अपर लिप एट द टिप ऑफ नोज, मतलब अपर लिप के ऊपर जो है वन पेयर ऑफ ओपनिंग है, इसको हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहते हैं और यहीं से एटमॉस्फेयर की हवा अंदर जाती है। दूसरी हेडिंग है नेसल पैसेज, तो ईच एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जैसे वन पेयर ऑफ है तो मतलब सिंगल की बात हो रही है, ईच एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपन्स इन नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर में पीछे खुलती है ये नॉस्ट्रिल थ्रू ए ट्यूबुलर पैसेज, एक ट्यूबुलर पैसेज के थ्रू। जैसे ये आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, इसको लेवल कर रहे हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, पहले भी बता चुके हैं ये नेसल पैसेज है, नेसल पैसेज एक चैम्बर में खुलता है, दैट इज कॉल्ड नेसल चैम्बर, इसे आप बोल सकते हो नेसल चैम्बर। और इसकी जो ओपनिंग है या अंदर एक और ओपनिंग में खुलता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रिल। तो कह रहे हैं कि नेसल चैम्बर में हवा जो पहुंचती है वो नेसल पैसेज के थ्रू पहुंचती है और नेसल पैसेज एक ट्यूबुलर पैसेज होता है। कॉल्ड नेसल पैसेज, इट इज लाइंड बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस, मतलब नेसल पैसेज में फाइन हेयर लगे होते हैं। अब ये इन हेयर्स का फंक्शन और म्यूकस होती है, म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक स्लाइमी सब्सटेंस होता है। तो फाइन हेयर का फंक्शन क्या है आपके नेसल पैसेज में? फाइन हेयर का फंक्शन क्या है वो बताया गया यहाँ पे। फाइन हेयर्स इन नेसल पैसेज हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, मतलब हवा को, जो हवा हम इनहेल करते हैं उसको फिल्टर करने में हेल्प करता है जो हेयर्स होते हैं, दैट इज इनहेल्ड थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, मतलब जो हवा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के थ्रू इनहेल होती है उसको फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है आपका जो हेयर्स लगे होते हैं यहाँ पे नेसल पैसेज में। फिर म्यूकस की बात करेंगे, तो म्यूकस जो स्लाइमी सब्सटेंस आपके नेसल पैसेज में रिलीज होता रहता है, जो वहाँ पे नीचे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस रिलीज होता रहता है। अब इसका फंक्शन क्या है? म्यूकस इन नेसल पैसेज हेल्प्स टू ट्रैप बैक्टीरिया एंड डस्ट पार्टिकल, जो भी बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल अंदर चले जाते हैं तो उनको ये म्यूकस चिपका लेता है अपने में, विच आर इधर थ्रोन बैक टू एटमोसफियर, यानी जब हम स्नीजिंग करते हैं तो जो भी डस्ट वगैरह जमा है वो म्यूकस के साथ बाहर आता है, या तो ये ऐसा हो सकता है और या फिर क्या होगा कि या फिर ये पूरा जो जो डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया जो भी है वो हम अंदर इनहेल कर लेते हैं, अंदर ले लिया और वो आपके जो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंच जाएगा और वहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो उसको डाइजेस्ट करके खत्म डिस्ट्रॉय कर देगा, जो बैक्टीरिया रहेंगे उनको वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। दो तरीके हैं, जो एयर में गंदगी आती है उसको या तो बाहर निकाल दिया जाता है और या फिर जो है उसको इन मतलब अंदर स्वालो करके जो है स्टमक में भेज दिया जाता है, स्टमक में जो है जो गैस्ट्रिक जूस होता है उन बैक्टीरिया को या डस्ट पार्टिकल को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हमें थर्ड हेडिंग देखनी है, दैट इज अ इंटरनल नॉस्ट्रिल, द नेसल चैम्बर ओपन्स इन द फैरिंग्स, नेसल चैम्बर फैरिंग्स में खुलता है थ्रू एन ओपनिंग, एक ओपनिंग के थ्रू, जिसे हम इंटरनल नॉस्ट्रिल बोलते हैं। अभी डायग्राम में आपको दिखाया गया था कि नेसल चैम्बर फैरिंग्स में खुलता है एक ओपनिंग के थ्रू जिसे इंटरनल नॉस्ट्रिल बोलते हैं।
अब फेरिंग्स की बात करेंगे, इट इज ये फेरिंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताया गया था, इट इज फनल लाइक चैम्बर विच प्रोवाइड्स कॉमन पैसेज फॉर द फूड एज वेल एज द एयर। मतलब फेरिंग्स होता है फनल लाइक पार्ट होता है जो कि फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है। अब बात करेंगे लैरिंग्स के लिए, तो लैरिंग्स क्या है, इट इज द एंटीरियर मोस्ट चैम्बर लाइक पार्ट ऑफ ट्रैकिया। ये ट्रैकिया का निमेंड पाइप का एंटीरियर मोस्ट चैम्बर लाइक पार्ट होता है। ये जैसे आपका ये आपका लैरिंग्स है और ये ट्रैकिया हो गए, ये पूरा ये ट्रैकिया विंड पाइप कह सकते हैं, तो उसका एंटीरियर मोस्ट पार्ट है दैट इज द लैरिंग्स। इसे हम क्या बोल रहे हैं, लैरिंग्स बोल रहे हैं। और इसकी इट्स ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस, इसकी ओपनिंग क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं, ये ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस थ्रू विच एयर एंटर इन ट्रैकिया, जिसके थ्रू हवा अंदर जाती है ट्रैकिया में। लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेज, ये जो साउंड बॉक्स है इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं लैरिंग्स को, ये 9 कार्टिलेज का बना होता है और उन्हीं 9 में से एक फ्लैप लाइक पार्ट होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। अगर ये ग्लॉटिस है तो इसकी लैरिंग्स का ही पार्ट है दैट इज द एपिग्लॉटिस, और ये एपिग्लॉटिस हो गया। और ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लॉटिस क्लोजेस द ग्लॉटिस, ये एपिग्लॉटिस जो होता है ये ग्लॉटिस को बंद कर लेता है जब कभी हम कुछ खाते या पीते हैं। ऐसा इसलिए करता है जिससे कि फूड या वाटर जो है हमारे विंड पाइप में या लंग्स में एंट्री ना कर पाए। सिक्स हेडिंग है ट्रैकिया, इट इज 15-20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ट्यूब स्टार्ट्स फ्रॉम द फेरिंग्स, मतलब 15-20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है जो कि फेरिंग्स से स्टार्ट होती है। इट्स एंटीरियर पार्ट इज लैरिंग्स, जैसे ये ट्रैकिया है और ट्रैकिया का जो एंटीरियर पार्ट है दैट इज द लैरिंग्स, लैरिंग्स। ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स, तो ये जो आप ये ट्रैकिया हो गई इसमें जो सी शेप रिंग्स दिख रही है आपको, सी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सामने से पूरा कवर करती है, पीछे से विंड पाइप खुली रहती है, मतलब पीछे से सपोर्ट नहीं करती है। तो विच प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम बीइंग कोलैप्स्ड ड्यूरिंग इनहेल, मतलब ये जो ट्रैकियल रिंग्स होती है ये ट्रैकिया को इनहेलेशन के समय कोलैप्स या पिचकने से रोकती हैं जिससे कि ब्रीदिंग में इनहेल में कोई ट्रबल ना हो। ट्रैकिया एंटर इन द चेस्ट कैविटी, ट्रैकिया चेस्ट कैविटी में एंटर करती है, चेस्ट कैविटी को थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं, मतलब हमारा लंग्स जो होता है वो थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। एंड बाइफर्केट्स इनटू टू इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, मतलब ट्रैकिया जब चेस्ट कैविटी में एंटर करता है तो ये राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में बाइफर्केट मतलब बढ़ जाता है, विच एंटर्स इन द राइट एंड लेफ्ट लंग रेस्पेक्टिवली, कह रहे मतलब राइट ब्रोंकस एंटर करेगा राइट लंग में और लेफ्ट ब्रोंकस एंटर करेगा लेफ्ट लंग में। देखिए सेवेंथ हेडिंग है इसकी ब्रोंकियोल्स है, तो जैसे ही ब्रोंकस जो होता है मतलब लंग्स में एंटर करता है, जैसे ब्रोंकस है लंग्स में एंटर करता है तो ये मतलब बार बार ब्रांच डेवलप करता है, आफ्टर एंट्री इन द लंग्स ईच ब्रोंकस डेवलप्स ब्रांचिंग रिपीटेडली, मतलब बार बार ब्रांचिंग बनाता है इस तरह से एंड फॉर्म प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल, जैसे ये प्राइमरी ये ब्रोंकस है और ये फिर ये इसकी प्राइमरी ब्रोंकियोल हो गई, फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकियोल हो गई, फिर टर्शियरी ब्रोंकियोल हो सकती है, और टर्शियरी के बाद ये हो गई टर्मिनल ब्रोंकियोल, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये टर्शियरी इसको भी बोल सकते हो टर्शियरी ब्रोंकियोल, देन दिस इज द टर्मिनल ब्रोंकियोल। फिर कह रहे हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल डेवलप्स अ बलूलाइक स्ट्रक्चर एट इट्स टिप कॉल्ड एल्वियोलस, जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है ये अपने टिप पे एक बलूलाइक स्ट्रक्चर डेवलप करती है उसको एल्वियोलस बोलते हैं, और उसका जो चूंकि सारे टर्मिनल ब्रोंकियोल पे बलून बनेगा तो अब ये इसका जो प्लूरल हो जाएगा वो एल्वियोलाई हो जाएगा। एल्वियोलस को फिर से डिफाइन किया गया है, इट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ वन सेल थिक स्क्वामस एपिथेलियम एंड सप्लाइड इन द ब्लड कैपिलरीज, मतलब ये जो एल्वियोलस है ये वन सेल थिक स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है और जिससे गैसेस एक्सचेंज होता है। अब हमें लास्ट हेडिंग समझनी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो कि लंग्स है, तो लंग्स इज ए स्पंजी ऑर्गन मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ वैस्कुलराइज्ड एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई। लंग्स एक स्पंजी ऑर्गन होता है जो कि मिलियन ऑफ एयर सैक्स का बना होता है, और वैस्कुलराइज्ड एयर सैक का मतलब हो गया कि वो एयर सैक या एल्वियोलस जो होता है उसमें ब्लड सप्लाई या ब्लड कैपिलरीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं।
क्योंकि आपको पहले बताया गया कि एयर सैक जो होता है वन सेल थे स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है और उसमें ब्लड ब्लड कैपरेज की सप्लाई होती है, इसीलिए यहाँ पे लिखे गया वैस्कुलराइज्ड। वैस्कुलर का मतलब ब्लड ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई होती है। एल्वोलाई करती क्या है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब जो एल्वोलाई होती है वो लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ा देती है जिससे कि गैसेस एक्सचेंज बहुत अच्छे से हो जाता है। ये अनुमान लगाया गया है कि अगर सारी एल्वोलाई लंग्स की सारी एल्वोलाई को खोल दिया जाए तो 80 square meters का एरिया कवर अप हो जाता है अगर सारी बलून को खोल दिया जाए लंग्स को। हमारे पास वी हैव टू लंग्स, दो लंग्स होते हैं राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। देखिए यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, बता भी दिया गया था ये राइट लंग है और सिर्फ लेफ्ट लंग होता है राइट थोड़ा बड़ा होता है लेफ्ट छोटा होता है, क्यों होता है डायग्राम में आपको बताया गया था। और जो कि थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी, इस कैविटी को थोरैसिक कैविटी कहते हैं, ऊपर वाली कैविटी को नीचे वाली कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। अबव द डायाफ्राम कह रहे हैं, डायाफ्राम के ऊपर होता है तो डायाफ्राम है, तो डायाफ्राम एक यहाँ पर डिफाइन किया गया डायाफ्राम को मस्कुलर सेप्टम सेपरेटिंग थोरैक्स एंड एब्डोमिन, मतलब ऊपर वाला रीजन थोरैक्स है नीचे वाला रीजन एब्डोमिन है, तो एब्डोमिन और थोरैक्स को डिवाइड करने के लिए मस्कुलर सेप्टम होता है उसको डायाफ्राम बोलते हैं। थोरैक्स एंड एब्डोमिन लंग्स सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्यूरा, लंग्स के चारों ओर डबल मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं प्यूरा बोलते हैं। और प्यूरा में एक दो प्यूरा होती हैं तो इसमें एक स्पेस होता है उसमें फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं प्यूरल फ्लूइड कहते हैं। ये एनसीईआरटी का टॉपिक नहीं है, प्यूरल फ्लूइड वाली बात। तो प्यूरल फ्लूइड क्या करता है, प्यूरल फ्लूइड जो होता है वो ब्रीदिंग के समय फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, मतलब सांस लेने में फ्रिक्शन डेवलप ना हो इसलिए वो प्यूरल फ्लूइड मतलब प्यूरल मेम्ब्रेन के बीच में प्यूरल फ्लूइड भरा रहता है। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम आप पूरा समझ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन भी बता दिया गया, डायग्राम भी एक्सप्लेन कर दिया गया है, उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं उससे जुड़ी उसको आपको समझना है। तो सबसे पहला है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन सम अमाउंट ऑफ एयर इज लेफ्ट इन द लंग्स एंड दिस अमाउंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद, इसका मतलब बहुत दम लगाकर सांस छोड़ने के बाद थोड़ी सी हवा लंग्स में बची रहती है और इस थोड़ी सी हवा को हम क्या कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, विच इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि लगातार एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जरूरी है लंग्स में। अब इससे रिलेटेड टॉपिक ये बनता है, एक क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, व्हाई ब्रीदिंग इज अल्टरनेट प्रोसेस व्हाइल एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो उसको आप इस टॉपिक के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ब्रीदिंग में एक बार हम इनहेल करते हैं एक बार एक्सहेल करते हैं, जबकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, चूँकि हमारे लंग्स में थोड़ी सी हवा बची रहती है फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद। हम हमेशा फोर्सफुल एक्सप्रेशन नहीं करते हैं, दम लगा के सांस नहीं छोड़ते हैं, हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन अगर हम दम लगा कर भी सांस निकाल लें बाहर की ओर एक्सप्रेशन कर दें तब भी थोड़ी सी हवा बची रहती है, इसी को रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ये बोर्ड क्वेश्चन जो भी मैंने दिया बोला आपको कि वाई ब्रीदिंग इज अल्टरनेट प्रोसेस व्हाइल एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो इस तरह से आप उसका आंसर दे सकते हैं।